जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय नानक गुरुदेव। मैं आज 3 तारीख है और मैं राजगीर पर्वत यानी बिहार गया में स्थित हूँ और ये मैं अभी गुरु नानक देव का आश्रम निवास के लिए पहली बार जो है गुरुद्वारा में ठहरा हुआ हूँ और पिछले दिन आके ठहरा हुआ था। यहाँ पे भोजन प्रसादी सब मिला मेरे को। मैं गुरुदेव नानक बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद आभार, उन्होंने जो कृपा करा किया हमारे ऊपर, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और यहाँ पे निवास स्थान है, रात रहने के लिए व्यवस्था भी दिया, अपना साइकिल यहाँ पे देखिए। और ये कुछ नज़ारे हैं, पार्किंग के नज़ारे हैं। सामने आपने जो देखा वो निवास स्थान है, ये वाला बिल्डिंग, इसी में रात ठहरा रहा। और इसके ऊपर जो है लंगर चलता है पार्किंग के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गेट, और हमने इसी के ऊपर कल भोजन किया था। और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। गुटखा, नशा, तंबाकू वगैरह, चोरी डकैती नहीं करें और ईमानदारी के साथ आप कहीं भी जाएं तो ईमानदारी के साथ रहिएगा तो ही काम अच्छा होगा, क्योंकि ईमानदारी हमारा सबसे पहला धर्म और कर्म है। अगर आप ईमानदार और अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप इस धरती पे कहीं भी जाइएगा आपको ठोकरें मिलेगी, तमाम चीज़ों जिन भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ईमानदारी सबसे पहले रखिए। और आज के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज की वीडियो ऐसे स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय ज्ञान गुरुदेव। दोस्तों, रात यही पर ठहरा रहा, रात यहाँ ठहरा रहा। अब यहाँ से जो है निकल रहे हैं आगे राजगीर की तरफ। ये देखिए कुछ नजारे हैं, ये यहाँ का एड्रेस ये है, इस व्हाइट हाउस जैसा बोल सकते हो, ये नज़ारा है। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे राजगीर की तरफ, पार्क देखने। सुबह का नज़ारा, आपका सुप्रभात आप सभी को। दोस्तों, ये राजगीर पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है राजगीर जू सफारी प्रशासन, सब सिस्टम लिखा गया है। यहाँ पे टिकट काउंटर है इसके अंदर, यहाँ पे आप गेट से एंट्री करें, राइट साइड में आपको टिकट काउंटर मिलेगा। और ये कुछ नियम कानून यहाँ पे लिखे गए हैं, ज़्यादा कहना कुछ नहीं चाहूँगा। यहाँ पे जो है टिकट लगेगा हर जगह घूमने के लिए, और मैं टिकट ले नहीं रहा हूँ और अलाउ भी नहीं किए इन्होंने, क्योंकि 300 रुपये, 250 रुपये चार्ज है ग्लास तक जाने के लिए, तो मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। मैं यहीं से जो है वापस बाहर चल जाऊँगा और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमें घूमने के लिए नहीं मिल पा रहा है, जैसे तो क्या मतलब है रुक के। बस यही है कुछ यहाँ के आसपास के नज़ारे हैं, अब देख सकते हैं। बगल में पार्किंग है, ये जो वाइट आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ये वाइट वाला, ये यहाँ पे पार्किंग बनाया गया है। बस यही कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। ये पूरा आप देख सकते हैं राजगीरी वान्य याड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है।
पांच गेटों में इसे प्रभावित किया गया बनाया गया है। पूरा टूरिज्म सिस्टम रखा है, देखिए। दोस्तों इजाज़त नहीं मिल पाया अंदर जाने के लिए, टिकट का चार्ज देना पड़ेगा। अब इसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, अब यहाँ से जो है आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं मुझे यहाँ पर कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा है, मैं जो अपने अगले मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। आप हमारे देख पीछे देख सकते हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राजगीर का सफारी पार्क है। ये 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे फ्री घूमने का इजाज़त नहीं मिला हमें, क्योंकि मैं विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा हूँ। और हम अंदर गए जहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला कि आप इजाज़त जो है मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से इजाज़त मिल जाएगा आगे जाएंगे तो आगे कोई रोक सकता है। तो इसके लिए जो है मैं टिकट नहीं ले पाया और ना लिया, और मैं अब यहाँ से राजगिरी से आगे जा रहा हूँ। बाकी जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा है वो आपके साथ पोस्टर के जरिए शेयर करूँगा और बताऊँगा भी। तो चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं अपने मंजिल के, अपने राम प्रभु श्री राम जी के दरबार के, जहाँ तक पहुँचते हैं आज। ये राजगीर नालंदा जिला बिहार में है, अब यहाँ चलते हैं आगे। आपका नाम क्या हुआ? कमलेश टाइगर नाम है। ये कौन सा जगह है? ये राजगीर। दोस्तों अभी मैं राजगीर में ही हूँ, थोड़ा सा आगे निकला हूँ मेन जो पार्क है वहाँ से। ये भाई साहब मिले हैं, भाई साहब गन्ने का जूस पिला रहे हैं और मिस्टेक से इनके जेब में जो है पर्स वो घर पे ही भूल आए, ऑर्डर दे दिए थे तो पी लीजिए, पी ले रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। हम यही बोलेंगे कि भाई को सपोर्ट करिए, कितना ये साइकिल से घूमते हैं और आपको जो जो जहाँ जहाँ जाते हैं दिखाते हैं, तो भाई को इनका चैनल का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेहनती कितना हमें देख कर के दूर से ही देखे, बाइक से आ रहे थे और दौड़ के इनके पास आए और साइड में आकर पूछते कि 2 मिनट पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए। मीठा हो जाती है, देखिए मीठा हो रहा है गन्ने के साथ में, जूस पिला रहे हैं भैया को, उठाओ गिलास, उठाओ जरा सेल्फी ले। ये भैया के द्वारा जो है गन्ने का जूस तो हम लोग पी लिए, लेकिन भैया जो है मिस्टेक से पर्स जो है घर पे ही भूल गए, दूसरा जींस में मेरा पर्स छूट गया दोस्तों। तो और चाचा भी इतने अच्छे हैं ना कि क्या बोलूं, इनको तो खैर बाद में मिल लूंगा और कुछ ना कुछ ज्यादा ही दे दूंगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 10-5 रुपए जो है। देखिए उन्होंने बोला कि जाइए, आप जब आइएगा तो फिर पैसे दीजिएगा, बिल्कुल चाहिए। अभी जस्ट हम निकलेंगे अभी अपना ड्यूटी पे और उसके बाद 10-11 बजे लौटेंगे इनको पास, शाम को स्पेशल आएंगे और ज्यादा कुछ दे करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आएगा जरूर सपोर्ट करिएगा यार, साइकिल से बहुत घूमते हैं, क्या बोलूँ आपको, अभी समय मेरे पास नहीं है, बहुत कुछ घूमते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोस्तों अभी मैं राजगीर से निकला हूँ और ये नालंदा जिला पहुँच चुका हूँ और ये भैया ने कुछ पैसे दे के मदद किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। और अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकुल हुआ, धीरज कुमार, मेरा नाम कुमार डीके। तो इन लोगों का ये नाम है, अभी आप लोग यहीं से? हाँ हम लोग इधर से ही एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, किस चीज़ का? ग्रेजुएशन का। अच्छा, ग्रेजुएशन का ये लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप लोग जो है फटाफट पास होइए, आगे बढ़िए। हम लोग का भी शुभकामनाएं आपके साथ में बधाई दें कि आप लोग मैंने आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ अच्छा सफर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, चार चार स्टेट हो भी साइकिल पे बहुत बड़ा बात है। नाम रोशन कीजिए, आप सफर कर रहे हैं। धन्यवाद भैया, एक बार बोलेंगे जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। दोस्तों जो है अभी नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास में खड़ा हूँ, ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में आए तो पढ़ लो। और यहाँ से अब देखते हैं कहाँ जाना है। संग्रहालय 500 मीटर दूरी पे है, 500 मीटर नालंदा संग्रहालय। तो जो है अभी मैं नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास में हूँ और यहाँ पे मैं कई जगहों पे गया, जैसे संग्रहालय हो गया और भी पार्किंग हो गया, दो तीन जगह जो है पार्क है घूमने लायक, तो गया वहाँ पे तो टिकट हर जगह लग रहा है और मैं विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसके लिए इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने के लिए, तो मैं नहीं गया। फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ अपने अगले मंजिल की ओर। तो ये भैया जो है यहीं के निवासी हैं, तो ये जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो चीज़ भैया बताएंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश राज हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है? यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है जी, और नालंदा म्यूजियम है जी, और हेनसंग मेमोरियल जो यही रोड जाता है यहाँ सामने, और यहाँ पे जैन मंदिर है जी, और यहाँ पे बड़गांव जो यहाँ महा छठ पूजा होता है, सूर्य तालाब है वहाँ सूर्य छठ का पूजा होता है। अच्छा, और यहाँ पे बहुत सारे चीज है देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये चीज़ें जो भैया ने बताया है यहाँ पे, ये इतना नहीं और भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं अब मन नहीं कर रहा है कहीं करने का, तो इसके लिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने अगले सफ़र की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ये देखो नालंदा में एक क्या बोलते हैं इसको, बड़गांव, इस तालाब तालाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ तालाब, बड़गांव तालाब। ये बड़गांव तालाब है, तालाब के अंदर ये भाई बता रहा है ये कि इसको जो है एक बड़ी पानी इसका निकाल के इसको सुखा के इसकी मिट्टी भी निकाल के फिर इसको भरा गया, और फिर भी ये पानी जो है नीला का नीला ही, मतलब हरे टाइप में दिख रहा है। उसके पहले भी हरा था, देख लो ये पानी पता नहीं क्यों नीला टाइप दिख रहा है, मुझे तो समझ में नहीं, सामने से कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन सामने से तो एकदम नीला हरा दिख रहा है पूरा का पूरा पानी, और लोग इसमें स्नान वगैरह भी करते हैं फिलहाल। लेकिन गंदगी हर जगह है, ये देखिए सीढ़ी पे यहाँ पे भी है, यहाँ आस पास है। इस वीडियो का दिखाने का मकसद यही है, ये वृक्ष के नीचे कितने पंछी, कितने जीव जंतु और कितने जानवर पल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, देख लीजिए कितना भी इनको क्या चाहिए, इससे बड़ा घर द्वार, खुले आसमान के नीचे पेड़ के छांव में बैठे हुए जानवर कितना आनंदित महसूस कर रहे होंगे, ठंडा हवाएं चल रही हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। दोस्तों अभी ये मैं पटना की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ये भैया मिले हैं रास्ते में, एक बोतल पानी दिए है और पैसे दे के हेल्प किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपना नाम बताओ। छोटू वर्मा। छोटू वर्मा जी, आपका भाई नाम क्या हुआ? मनीष। मनीष हुआ। आपका भाई? रोहित। और वो भाई किधर? आइए भगत जी। आगे कौन अभी आपका? अजय। तो आप लोग देखिए इनके साथ ये टीम है इनकी, और मैं अभी निकल रहा हूँ आगे, आज राजगीर से चला हूँ और पटना के लिए जाना है अभी, तो भैया रास्ते में मिले हैं, पैसे और होटल दिए हैं, तो इसके लिए भैया बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। कोई और... दिक्कत नहीं भाई, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। जो समझता है भैया, कई लोग समझते नहीं ना, बोलते हैं कि गलत काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलत काम,
तो चलिए ठीक है, एक बार कुछ जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। न्यू दिल्ली लोकमान्य तिलक नई दिल्ली एक्सप्रेस इस्लामपुर पटिया इस्लामपुर नई दिल्ली प्याज लदा हुआ है, सब प्याज है, प्याज पीले वाले थैली में कुछ अलग खाद भी जैसा दिख रहा है और ये गोनी में प्याज भरा हुआ है। ये देखिए प्याज, प्याज मंडी है भाई, पूरा थोक बाजार। यहाँ से लद के अब कहीं और जाएगा। ये देखो मोजीपुर। तो दोस्तों अभी ये राजगीर से मैं निकला हूँ। ये मैं जाते समय ये रास्ता पटना से ये रास्ता मैं गया था नालंदा होके, लेकिन वापस यही रास्ता जो फिर मेरे को जाना पड़ रहा है अयोध्या मतलब साइड पे। ये अपना नाम सत्यनारायण साहू है। अरे गुप्ता है गुप्ता, तो पियादर निकले ये सत्यनारायण साहू इनका नाम है। और ये कौन सा गांव है? मोजीपुर। मोजीपुर, हाँ मोजीपुर रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन। तो भैया से देखिए अब कोई जानता नहीं है कि ब्यादर निकलेंगे क्या निकलेंगे, लेकिन थोड़े से मुलाकात में बहुत अच्छा लगा भैया। और पानीपुरी अब यहाँ खा के फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जो है भैया पैसा नहीं ले रहे हैं, बोले कि आप जाइए। तो भैया एक बार इधर भी देख लीजिए फिर मैं निकलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बोलिएगा, क्या बोलेगा जब आप साइकिल मार्ग से हैं तो क्या आपको बोला जाए। आप ऐसे धर्म में घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, भगवान करे आप और तरक्की करो, आपका धंधा चार गुना चले।
तो दोस्तों आज राजगिरी से चल के मैं आज पटना, ये भागलपुर पटना मार्ग फतुहा मार्ग, और मैं आज भी गुरुद्वारे में ठहरा हुआ हूँ। आपके ये गुरुद्वारे में जो है राजगिरी से चल के वापस गुरुद्वारे में पटना स्थित है, यहाँ पे ठहरा हुआ श्री गुरु तेग बहादुर जी निवास ये है, यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। और आज के लिए इतना ही जानकारी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, एक सपोर्ट के लिए अपना लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव।